पूर्णिया कामोर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह हरिपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जनकलाल यादव के घर के चापाकल में जहर डालने की खबर पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना एवं जनप्रतिनिधि को दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य जनकलाल यादव ने कहा कि हम लोग जब रविवार की सुबह चापाकल में पानी लेने के लिए गए तो पानी भरने के दौरान चापाकल से दूधिया पानी निकलने लगा एवं पानी से दवाई का गंध भी आने लगी। सूचना पर पहुंचे IMIM के विधानसभा अध्यक्ष मुकर्रम हुसैन, सीमांचल संगठन प्रभारी गुलाम रब्बानी ने स्थिति का जायजा लेते हुए चापाकल को तत्काल बंद करने का सुझाव दिया तथा लोगों से इससे पानी नहीं यूज करने की सलाह भी दी। पीड़ित परिवार जनकलाल यादव ने चापाकल में अज्ञात द्वारा जहर डालने की आशंका जताते हुए स्थानीय थाना को इसकी लिखित सूचना दी है। उन लोगों ने आशंका जताई कि किसी ने दुश्मनी साधने के लिए चापाकल में जहर डाल दिया है। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। क्या हुआ जब सुबह उठे तो क्या देखे आप, ट्यूबवेल का पानी कैसा था? सुबह उठे तो कल चलाए तो सफेद पानी मारा। अच्छा, उसके बाद ये भी चलाया। अच्छा, वो भी चलाए तो बोला कि बोले पानी में दवा मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, पता चल रहा है किसने ऐसा हरकत किया होगा? पता नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा है कौन ऐसा हरकत किया है। रात तक पानी पिए कोई दिक्कत नहीं था, मतलब रात के बाद सोने के बाद ये घटना हुआ? अच्छा, बाल्टी में जो पानी रखा हुआ है वो उजला उजला पानी है, गंध भी आ रहा है, कैसा गंध आ रहा है? दवाई की तरह। आप कौन है? हम अनीता देवी। अच्छा, जनकलाल जी मामला है? मामला यही कि सुबह जो हम आए तो ट्यूबवेल जो चला है तो ट्यूबवेल में पानी निकल रहा है सफेद के जैसा। अच्छा, फिर बाबूजी को बोले तो बोला कि देखो, फिर हम चेक किए तो दवाई का भाग निकलने लगा। अच्छा, उसके बाद मैं ग्रामीण के मुखिया सरपंच सभा सबको जाकर के मैं बोले तो वो लोग आया रब्बानी साहब को, पहले फर्स्ट में रब्बानी साहब के पास हम गए। अच्छा, तो वो बोला कि ठीक है हम लोग आते हैं, सबको आगाही कर दो। तो मैं सभी से निवेदन है कि ऐसा मेरे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? आखिर इसमें दवाई किसने डाला, दवाई बड़ा सवाल है। हाँ, दवाई किसने डाला इस पर हम विधायक जी से भी अनुरोध करते हैं और प्रतिनिधि से, जितने मेरे पंचायत का वार्ड सदस्य जो भी है मुखिया सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और प्रशासन से भी कि इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए कि कौन ऐसा मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसको मारना है हमको आके मार दे। बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जानकारी ये मिली है कि मॉर्निंग में अलग सेवा ये जनक यादव जी हमारे पास पहुंचे, बोले ऐसा ऐसा मामला है, हमारे नलके से जो है पानी सफ़ेद निकलता है दूध की तरह जी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप भैंस वैंस आप लोग बंद कर दीजिए, भेजवाच लीजिए और आप शंकर जी का कृपा हो गया, उसी से आप निकालिए और दूध बेचते रहिए। अच्छा, समझे कि नहीं? बाद में मैंने उनसे कहा कि सारे लोगों को बताइए, मुखिया सरपंच समिति जितने भी लोग हैं वो आके देखें और मैं भी आता हूँ। आने के बाद देखते हैं कि जब नलका चलाते हैं तो उसमें वाइट वाइट पानी निकल रहा है सफेद। अब मामला ये कि उससे बदबू भी आ रही थी। यहाँ एक तौर से हत्या की साजिश की गई है। अच्छा, अब रात में इस तरह का हादसा और फिर सुबह उठ करके ये, अब मामला ये है कि इसका कौन किया, क्या किया, कैसे हुआ, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। ये हादसा हुआ कैसे, किसने किया, ये हादसे का अभी तक कोई नॉलेज किसी को नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि भाई आप आपस में पहले मशवरा किया जाए, आवेदन दिया जाए और इसके ऊपर जो भी नियम अनुसार काम कार्य होना चाहिए वो किया जाएगा। आप